हाय गाइस, सो स्टोरी टाइम। अभी रिसेंटली मैं एक डिनर पे गया था जहाँ पे मैं और मेरे कुछ दोस्त डिनर कर रहे थे। एंड वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने बोला, क्या तूने ये नेक बैंड ट्राई कर रखे हैं? एंड उसके गले में वो नेक बैंड लटका हुआ था। तो बोला, नहीं कौन सी ब्रांड है? उसने सब कुछ बताया एंड उनको ट्राई किया एंड मुझे वो अच्छे लगे इनिशियली। सो मैंने सोचा कि थोड़े दिनों के लिए दे दे, मैं रिव्यू बना देता हूँ। एंड मैं उनको थोड़े दिनों के लिए यूज़ किया एंड जब यूज़ कर रहा था, आई फेल्ट कि ये सिर्फ रिव्यू के लायक नहीं है, इनसे कंपैरिजन भी बनना चाहिए बिकॉज दे वर क्वाइट गुड। सो मैंने सोचा चलो कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं। किसके साथ बनाएंगे? OnePlus Bullet Z2, क्योंकि एक ये काफ़ी हाइप्ड अप है एंड जो इनकी प्राइस ब्रैकेट है दैट इज 2000 रुपीज़ के आसपास, मतलब 1700 से 2000 रुपीज़ के बीच में। एंड ये जो नए नेक बैंड मैंने ट्राई किए थे उनकी प्राइस पॉइंट इसी के आसपास थी। सो बोला बहुत ही बढ़िया कंटेंट रहेगा मेरे लिए भी एंड आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आप में से बहुत सारे लोग नेक बैंड ढूंढते हो। सो दीज आर, बताता हूँ बैठ के बताता हूँ आराम से कौन से हैं ये। सो इस नेक बैंड का नाम है मैड रैबिट ट्रिप वायरलेस प्रो, पागल खरगोश। सो गाइस, बिल्ड क्वालिटी, ऑडियो, कॉल क्वालिटी, बैटरी लाइफ, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। एंड बाय द वे, दोनों ही नेक बैंड्स के बेस्ट बैंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। दोनों का जो नेक बैंड है, OnePlus Bullet Z2 का एंड मैड रैबिट ट्रिप वायरलेस प्रो का, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है। लेकिन जो ट्रिप वायरलेस प्रो है उसका नेक बैंड ज़्यादा फ्लैट है रिलेटिवली देन बुलेट Z2, जिसकी वजह से नेक पे बहुत ईजिली बैठता है वो एंड काफ़ी देर तक आराम से बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की दैट इज़ दोनों की वायर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट जो वायर की लेंथ है वो अगेन मैड रैबिट की ज़्यादा लंबी है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा और फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की दैट इज़ दोनों के जो ईयरबड्स हैं वो फिट बहुत अच्छे से होते हैं, लेकिन मैड रैबिट अगेन रिलेटिवली बेटर फिट होता है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ शार्क फिन्स मिलते हैं। सो अगर आप जिम के लिए नेक बैंड ढूंढ रहे हो, इनको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। दोनों ही नेक बैंड्स में बटन दिए गए हैं, लेकिन OnePlus Bullet Z2 में जो बटन्स हैं उनकी क्वालिटी बेटर है। दो मैड रैबिट ट्रिप वायरलेस प्रो में जो बटन्स हैं वो ज़्यादा टैक्टाइल हैं, बट ओवरऑल क्वालिटी Z2 में बेटर है। अगली चीज़, दोनों ही नेक बैंड्स में मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है। मतलब जैसे ही ईयरबड को आप मैग्नेटिकली जोड़ोगे एक साथ तो ये बंद हो जाएंगे एंड जैसे ही अलग करोगे तो ये ऑन हो जाएंगे। सो फीचर्स की बात कर लेते हैं। मैड रैबिट ट्रिप वायरलेस प्रो में आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, IPX5 की रेटिंग मिलती है। वहीं पे OnePlus Bullet Z2 में आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं एंड IP55 की रेटिंग मिलती है। एक चीज का ध्यान जरूर रखना, ड्राइवर साइज अगर बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटर ऑडियो आपको प्रोवाइड करेगा। ये ज्यादा डिपेंड करता है जो ड्राइवर्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से ट्यून किए गए हैं। सो कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। दोनों में कनेक्टिविटी काफी ज्यादा स्टेबल थी, कोई भी मतलब लैग या चॉपिनेस मुझे तो नजर नहीं आया, महसूस नहीं हुआ एंड स्टटर भी महसूस नहीं हुआ। सो कनेक्टिविटी स्टेबल थी थ्रू आउट द टेस्टिंग। दूसरी चीज, मैड रैबिट में आपको डुअल पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड वो ऑटोमेटिकली स्विच करता है। मतलब सपोज आप लैपटॉप में काम कर रहे हो एंड सेम टाइम पे आप फोन से भी कनेक्टेड हो बट लैपटॉप में फिलहाल काम करो, मान लो वीडियो देख रहे हो और एक कॉल आ जाता है आपके मोबाइल फोन पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन पे स्विच हो जाएंगे एंड जो वीडियो चल रही है वो पॉज हो जाएगी। बहुत सारे नेक बैंड्स एंड TWS में ये फीचर है कि वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाते हैं बट जो वीडियो होती है वो पॉज नहीं होती। इनमें लेकिन वीडियो पॉज भी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजर एक्सपीरियंस को ये एनहांस करते हैं। एंड ये सेम फीचर जो डुअल पेयरिंग का है वो है ही नहीं Z2 में। मतलब फॉरगेट अबाउट गिविंग एन ऑटोमेटिक स्विच, इनमें मैनुअल स्विच वाला फीचर भी नहीं है डुअल पेयरिंग का, बेसिकली डुअल पेयरिंग दिया ही नहीं गया है। सो इस मामले में डेफिनेटली मैड रैबिट वे बेटर है। लेकिन अगर रेंज की बात करूं तो ये बोलूंगा मैड रैबिट की रेंज रिलेटिवली हल्की सी कम है देन OnePlus Bullet Z2, बट इसका मतलब ये नहीं कि पॉकेट में आपका फोन है और आप नेकबैंड लगा रहे हो और आपको स्टटर महसूस होगा, ऐसा नहीं है। बहुत दूर है, मतलब ऐसे अगर जब 10-15 मीटर दूर जाते हो तो आप बोल सकते हो कि जो OnePlus Z2 है वो शायद 12 मीटर दूर तक भी काम करें एंड ये 11 मीटर तक काम करेंगे, इतना फर्क है। सो गाइज, अब ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। 10 mm के ड्राइवर्स जो है मैड रैबिट ट्रिप वायरलेस प्रो में मुझे काफ़ी ज़्यादा वेल ट्यून्ड लगे। क्यों? पहली चीज़, बेस तगड़ा है। बेस में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं लगेगी आपको, थंप मिलता है, बड़ा बेस है, मज़ा आएगा बेस लवर्स को। लेकिन अच्छी बात यह है कि बेस बड़ा होने के बावजूद जो ट्रेबल है, जो वोकल्स हैं, वो हैम्पर नहीं किए गए, मतलब ओवरशैडो नहीं कर देता है बेस उनको। सो अगर आप फ्लैट म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हो तो भी आपको ये पसंद आएंगे क्योंकि ट्रेबल और वोकल्स की क्वालिटी मेंटेन्ड है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लीन है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल जो म्यूज़िक क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। एंड इनका जो ऑडियो सिग्नेचर है वो मुझे रिलेटिवली बेटर लगा OnePlus Z2 से। OnePlus Z2 में बेस हल्का सा ज़्यादा लगा, लेकिन ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है OnePlus Z2 में, क्योंकि इनका बेस इतना ओवरपावरिंग है
कि ये बाकी जो दोनों चीज़ें हैं ट्रेबल एंड वोकल्स उनको ओवर पावर कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो बेस हैवी होता है। तो जो ट्रेबल एंड वोकल्स में क्लैरिटी चाहिए एंड क्रिस्पनेस चाहिए वो नहीं आती है। सो मैं तो ये बोलूँगा मेरे टेस्टिंग के दौरान मुझे जो मैड रैबिट ट्रिप वायरलेस प्रो है वो बेटर लगे ऑडियो सेक्शन में, ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी उनमें बेटर लगी। ठीक है, सो मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आपको सिर्फ ऑडियो के लिए इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप मैड रैबिट को कर सकते हो। लेटेंसी के बारे में बात करते हैं, लो लेटेंसी मोड दोनों ही नेक बैंड में नहीं है, बट ये बोलूंगा दोनों में आप गेमिंग आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज कॉलिंग। मैंने इंडोर्स में कॉलिंग की, मैंने आउटडोर्स में भी की एंड मेरे को कॉल क्वालिटी दोनों में ही अच्छी लगी, बट मैं रिलेटिवली बोलूंगा जो मैड रैबिट है उसमें आवाज़ हल्की सी लाउड लगी दैन Z2। सो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे मैंने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग डाल रखी है, आप सुन लो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। एंड ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये रिसीवर के एंड पे मैंने रिकॉर्ड कराई है, मेरे फोन पे नहीं है। हेलो, तो अभी जो मैं नेक बैंड यूज कर रहा हूँ, दीज आर मैड रैबिट ट्रिप वायरलेस प्रो, एंड अभी मतलब रिसेंटली इनके बारे में मुझे मालूम चला, काफी अच्छे लगे हैं मेरे को नेट बैंड्स, एंड कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ अभी। सो अभी इंडोर कंडीशन में हूँ मैं, अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई भी शोर या कुछ भी नहीं है, तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है। ओके, पंखे की आवाज ऐड कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैं फैन के नीचे हूँ और फैन फुल स्पीड में चल रहा है, तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है, क्या कोई डिस्टर्बेंस है और तू मेरी आवाज अभी भी अच्छे से सुन पा रहा है? कुछ तो जादू हुआ तेरी आवाज और क्रिस्प हो गई बल्कि पंखा ऑन होने के बाद। ठीक सुनाई दे रहा है, बढ़िया। ट्रैफिक की नॉइज ऐड करता हूँ। मैंने अभी ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया एंड अभी मतलब बैकग्राउंड में और तो कोई शोर नहीं है, बट मैंने लैपटॉप में फुल वॉल्यूम पे ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया, तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? आर यू स्टिल एबल टू मेक अप में क्या बोलता हूँ, क्या ट्रैफिक की जो नॉइज है वो ओवर पावरिंग है? नहीं, अच्छे से पीछे है, बल्कि सप्रेस्ड भी है ऑलमोस्ट, एंड तेरी आवाज भी अच्छे से आ रही है, ओवरऑल मस्त। हाँ, सो अभी जो मैं ईयरफोन्स यूज कर रहा हूँ फॉर कॉलिंग, दीज आर वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2, बहुत ही छोटा नाम है, एंड अपने घर पे हूँ मैं, मतलब रूम के अंदर बैकग्राउंड में कोई आवाज वगैरह नहीं है, तो तुझे मेरी आवाज किस तरह सुनाई दे रही है? अच्छी सुनाई दे रही है, खराब सुनाई दे रही है? मस्त, क्लियर, क्रिस्प, मस्त। हेलो, हाँ, तो अभी मैंने फैन फुल स्पीड पे चला दिया, बाकी बैकग्राउंड नॉइज कुछ भी नहीं है, तो मेरी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है या अभी भी आवाज क्लियर एंड क्रिस्प पहुंच रही है? पीछे क्लियरली एक हवा की आवाज आ रही है। बैकग्राउंड में अभी ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ तेरे को क्लियरली सुनाई दे रहा है या बैकग्राउंड नॉइज ओवर पावरिंग है? नहीं, मतलब पीछे है, सुनाई दे रही है, बट काफी कम है। सो दोस्तों अब बात करते हैं हम बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी बैकअप में मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है भाई मैड रैबिट का। 80 आवर्स तक का प्लेबैक है सिंगल चार्ज में, एंड ये ऑलमोस्ट एक घंटे 15-20 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं। वहीं पे जो वन प्लस बुलेट Z2 है वो सिंगल चार्ज में आपको 30 आवर्स तक का प्लेबैक देते हैं, एंड हाँ वो चार्ज जल्दी होते हैं बिकॉज रिलेटिवली छोटी बैटरी है। सो बैटरी बैकअप के मामले में तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई मैड रैबिट का। सो अगर आपको एक लंबी बड़ी बैटरी वाला नेक बैंड चाहिए, देन मैं ये बोलूंगा आप मैड रैबिट ट्रिप वायरलेस प्रो को कंसीडर कर सकते हो। सो फाइनल सवाल, इन दोनों नेक बैंड्स में से जो कि 2000 रुपये के आसपास आते हैं, आपको किसको चूज करना चाहिए? वेल, ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में मैं बोलूंगा मैड रैबिट बेटर है, एंड अगर मुझे अपने पैसे लगाने होते तो मैं ये खरीदता, मतलब अब मैं अगले नेक बैंड यही खरीदने वाला हूँ। अब तक मैं वन प्लस बुलेट Z2 यूज कर रहा था, बट अब ये दोस्त को वापस करूंगा एंड मैं अपने लिए एक नए ऑर्डर करूंगा, और आप भी ऑर्डर कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है, जाके चेकआउट कर लेना। सो दोस्तों यही था पूरा कंपैरिजन वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है आप कॉमेंट कर सकते हो, आपके कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।